नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह का स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं नेटवर्क एनालिसिस में। एक्चुअली दो क्वेश्चन हैं जो एक जैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं। एक में इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, एक में कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। जिनमें इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं उनमें हमने आपसे पूछा है कि दोनों की करंट कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट पर, और जिनमें कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं उनमें हमने पूछा है कि वोल्टेज डिटरमाइन करना है इनफाइनाइट टाइम पर। तो देखिए, जब हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर इनफाइनाइट पे शॉर्ट होते हैं, तो ये दोनों जब शॉर्ट हो जाएंगे तो उस केस में हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोग ये आइडिया लगाएंगे कि इसमें और इसमें बराबर करंट चली जाएगी, और कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी करना क्या है। तो इसका हम लॉजिक बताते हैं। सिमिलरली यहां अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट में दोनों कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे। जब दोनों कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे तो किसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां अगर ऐसा होता है एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, तो एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालते वो VC1 हो जाता, दूसरे के अक्रॉस निकालते तो VC2 हो जाता। बट यहां पे कैसे करेंगे? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो ये है कि जब इनफाइनाइट में कैपेसिटर्स को आप ओपन करोगे, तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं, एक ही लाइन में है, सीरीज में। जब भी कैपेसिटर सीरीज हो तब के लिए ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप पहले ओवरऑल वोल्टेज निकाल लीजिए V, क्योंकि ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो टोटल वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, VC1 प्लस VC2। तो हमें V इज इक्वल टू मिल जाएगा VC1 प्लस VC2। पहली चीज बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, तो जो इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही का वही टोटल वोल्टेज हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके चार्ज इक्वल होते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 क्या होगा, C1V1, और Q2 क्या होगा, C2V2 होगा। अब C1 की वैल्यू आपको गिवन है, C2 की वैल्यू भी गिवन है, तो C1 की वैल्यू रख दोगे तो V1 और V2 में रिलेशन मिल जाएगा, तो यहां से एक की वैल्यू यहां रख दोगे, ये VC1 VC2 जो भी आप यूज कर रहे हो, VC1 VC2, और यहां से इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा, तो वैल्यू यहां पुट कर दोगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो V1 और V2 बहुत VC1 और VC2 आसानी से निकल आएंगे। अब हम सॉल्व करके बताते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे, मतलब कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके चार्ज इक्वल होते हैं। सिमिलरली इंडक्टर की बात करें, क्यों इक्वल होते हैं इसका भी रीजन बता देते हैं। सीरीज की अगर हम बात करें तो करंट जो है इक्वल मानी जाती है जब भी सीरीज में एलिमेंट हो। आप कोई बोले इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पे तो ओपन है, तो वो टेंस टू इनफाइनाइट माना जाता है, मतलब एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे ओपन होते हैं। एग्जैक्ट इनफाइनाइट तो हम कभी अचीव नहीं कर पाते, टेंस टू इनफाइनाइट मतलब हम ये सोच के चल सकते हैं कि उसमें कुछ तो करंट फ्लो कर रही है। एक्चुअली कैपेसिटर आइडियली ओपन होते हैं इनफाइनाइट पे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो उन पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करती रहती है, टोटली वो ओपन नहीं होते हैं। तो वो वहां पे क्या माना जाता है कि दोनों की करंट इक्वल है, और अगर करंट इक्वल है तो ये हो जाएगा DQ1/DT और ये हो जाएगा DQ2/DT। इसलिए Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 होता है। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनकी नॉर्मल सी बात है, उनमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, इक्वल। अब यहां एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो, तो इसकी भी करंट जीरो, उसकी भी करंट जीरो, तो दोनों इक्वल, तो DQ/DT दोनों के इक्वल होंगे, तो चार्ज Q1 Q2 क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहता है यहां पे। जबकि यहां की अगर हम बात करें इंडक्टर की, जब दो इंडक्टर को पैरेलल में रखोगे तो दोनों इंडक्टर पैरेलल के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, दोनों शॉर्ट, तो एक ही लाइन बना दिया करो। उससे क्या होगा, एक टोटल करंट निकाल देना आई, जिसको हम बाद में बोलेंगे IL1 प्लस IL2। जब दोनों शॉर्ट हैं तो एक ही लाइन बना दो, जैसे यहां पे दोनों ओपन थे तो एक बार ओपन कर दो, या दो टुकड़े ओपन करो, ओपन तो ओपन होगा, जैसे यहां टोटल वोल्टेज निकाल रहे थे यहां टोटल करंट निकाल दो। जिस तरीके से यहाँ Q1 इज इक्वल टू Q2 होता है, दोनों का चार्ज इक्वल, उसी तरीके से यहाँ फ्लक्स इक्वल होते हैं, Φ1 इक्वल टू Φ2। जैसे यहां पे क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू Q2 और यहां होता है V इज इक्वल टू V1 VC1 प्लस VC2, वैसे यहां होता है I इज इक्वल टू IL1 प्लस IL2। ये सीरीज में, ये पैरेलल में, यहां चार्ज इक्वल, यहां फ्लक्स इक्वल, यहां चार्ज इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2, तो DQ1/DT इज इक्वल टू DQ2/DT, इसलिए चार्ज इक्वल होते हैं। यहां क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वोल्टेज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, D5/DT, ये भी D5/DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वोल्टेज। तो यहां से Φ1 इज इक्वल टू Φ2 हो जाएगा, और वहां से Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा। Q1
Q1 Q2 होते हैं C1 V1, तो ये हो जाता है C2 V2। याद रखना बहुत आसान है, ट्रिक बता देंगे। उसी तरीके से Φ1 होता है L1 I1 is equal to L2 I2। कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, वोल्टेज की जगह करंट आ गई, चार्ज की जगह फ्लक्स आ गया, वोल्टेज की जगह अगेन करंट आ गई और कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टर आ गया। ये कॉन्सेप्ट रखोगे तो दूसरे दोनों टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन लोग बना लेते हैं, इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। अब हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब हम टी टेंस टू इनफाइनाइट पे इसका सर्किट बना लेते हैं। टी टेंस टू इनफाइनाइट पे देखिए ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ कितना वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, स्विच हो गया है क्लोज, ये है 1 ओम, ये हमारा 4 ओम, ये कैपेसिटर इनफाइनाइट पे ओपन, ये भी कैपेसिटर इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ओपन। ये हो गया VC1, ये हो गया आपका VC2, तो टोटल वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, V हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, V हो गया। और हमें पता है कि ये जो V है ये टोटल दोनों का समेशन है, मतलब V इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2। अब V की वैल्यू अगर निकालना है तो V की वैल्यू वही होगी जो इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसकी एक करंट हम X मान लेते हैं और ये X करंट यहां से आ रही होगी, ये तो ओपन है इधर, तो कहां से आ रही होगी, इधर से। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा X into 1X और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4X। जहां से करंट इन होती है वो प्लस, जहां पे आउट होती है वो माइनस। तो KVL अगर हम लगा दें तो देखिए -5 वोल्ट और फिर प्लस X और फिर प्लस 4X, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे 5X इज इक्वल टू 5, तो X इज इक्वल टू आ चुका है 1। X की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि V वोल्टेज वही है जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, मतलब V इज इक्वल टू 4X इज इक्वल टू 4 into 1। तो V की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 वोल्ट आ चुकी है V की वैल्यू। अब जब 4 वोल्ट हमें मिल चुका है ये V, तो यही किसके इक्वल होगा, VC1 प्लस VC2 के इक्वल। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई है कि VC1 प्लस VC2 इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन हमें पता है कि दोनों कैपेसिटर जब भी सीरीज में होते हैं तो इनके चार्ज इक्वल होते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो यहां से देखिए C1 की वैल्यू है 1, तो इसको C1 VC1 C2 VC2, C1 की वैल्यू है 1 तो ये 1 into VC1, दैट इज इक्वल टू C2 की वैल्यू है 2 तो 2 into VC2। यहां से ये सेकंड इक्वेशन हो गई, VC2 की वैल्यू 2 VC2, तो सॉरी VC1 की वैल्यू 2 VC2, तो VC1 की जगह पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4 इज इक्वल टू 2 VC2 प्लस VC2। तो यहां से 3 VC2 इज इक्वल टू 4, तो VC2 इज इक्वल टू 4/3। सिमिलरली 4/3 वोल्ट। सिमिलरली VC1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ VC2 है तो डबल कर दीजिए, तो 8/3 वोल्ट। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, 4 जोड़ के देख लीजिए आप, ऐड कर लीजिए, 12/3 4 ही आ जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि VC1 इनफाइनाइट पे निकाला है ये सर्किट। ध्यान रखना T टेंस टू इनफाइनाइट पे ही कैपेसिटर ओपन होते हैं या 0- पे होते हैं, लेकिन 0- पे अगर निकालते तो ये स्विच ओपन रहता तो कुछ भी चार्ज ही नहीं था, तो ये इनफाइनाइट के लिए सर्किट है ये वाला जो निकाला। तो VC1 की वैल्यू आ गई है 8/3 वोल्ट और VC2 की वैल्यू आ चुकी है इनफाइनाइट पे 4/3 वोल्ट। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया कैपेसिटर का, जो बहुत आसानी से नॉर्मली लोग कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन इंडक्टर वाला, क्योंकि इसको नॉर्मली लोगों पे ये नहीं बनता है। करना कैसे है आपको, आपको कुछ इस तरीके से करना है कि पहले तो इनफाइनाइट पे सर्किट बना लीजिए टी टेंस टू इनफाइनाइट पे। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा इनफाइनाइट पे क्योंकि बंद हो रहा है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ये टोटल करंट है इसको आई मान लीजिए। अब देखिए कैपेसिटर तो शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहां पे बड़ा मुश्किल रहता है IL1 और IL2 निकालना, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट हैं तो आप एक लाइन भी बना सकते हो, वही की वही रहेगी। तो यहां इतना तो पता है कि I is equal to IL1 plus IL2। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये ग्राउंड है, ये तो शॉर्ट है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 वोल्टेज यहां है तो यहां भी 0 वोल्टेज ही रहेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4 into I, क्योंकि करंट कितनी फ्लो हो रही, I। ये करंट I कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 2I प्लस, वहां लगाना है जहां से इन होती है, जहां से आउट होती है वहां माइनस। अब आप देखिए अगर यहां 0 है तो यहां भी 0, यहां 0 है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ये 4I,
फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो 2i और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6i। यहाँ देखिए ग्राउंड है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा 12, तो 6i इज इक्वल टू 12। इसी पॉइंट का वोल्टेज 6i है, इसी पॉइंट का वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो 6i इज इक्वल टू 12, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर। ये करंट आ चुकी है, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, IL1 प्लस IL2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एक इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि कितनी करंट इस 2 एम्पियर में से इसमें जाएगी और कितनी इसमें जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, phi इज इक्वल टू, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो चार्ज का फॉर्मूला याद रखिए, q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो q की जगह phi, c की जगह l और v की जगह i, तो phi इज इक्वल टू हो जाएगा L1 IL1 और यहाँ L2 IL2। तो L1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 हेनरी इंटू IL1 इज इक्वल टू, L2 की वैल्यू है 4 हेनरी इंटू IL2, तो यहां से IL1 इज इक्वल टू हो गया 2IL2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। IL1 की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2IL1 की वैल्यू पुट करिए, 2IL2 प्लस IL2 दैट इज इक्वल टू 2, तो 3IL2 इज इक्वल टू 2, तो IL2 इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली IL1 इज इक्वल टू है इसका 2i, तो IL1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 एम्पियर। तो ये इनफाइनाइट के लिए सर्किट था चुकी, क्योंकि इनफाइनाइट पे स्विच क्लोज किया और इंडक्टर को हमने शॉर्ट किया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे IL1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 4/3 एम्पियर, और IL2 की जो वैल्यू है वो 2/3। यानी कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है इन दोनों को शॉर्ट करके। आप तो चाहो तो एक ही लाइन बना देना, दो लाइन बनाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही लाइन शॉर्ट कर देना और टोटल आई निकाल लेना, बस लिख देना आई इज इक्वल टू IL1 प्लस IL2, और दूसरी इक्वेशन कहां से बनाओगे, phi1 इज इक्वल टू phi2 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, इंडक्टर वाला आपने नहीं देखा होगा तो आज ये कॉन्सेप्ट देख लिया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाएंगे, अपनी क्वेरीज अगर आपकी कुछ हो तो लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, और आपके लाइक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा जिससे कि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते रहें। तो भाई हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।